नौबत खाने में इबादत। हमारा ये चैप्टर बहुत ही आसान है। रुको जरा, सबर करो। अगर इसमें 10 कैरेक्टर के नाम नहीं होते तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अच्छी बात ये है कि सारे नाम याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, जिसे तुम्हें बस एक बार समझ लेना है। तो फिर चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे इस चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत का अर्थ है। नौबत खाने मतलब होता है म्यूजिक रूम, और इबादत करना मतलब होता है भगवान से प्रे करना, मतलब म्यूजिक रूम से भगवान की आराधना करना। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई हमारी ये कहानी है सहनाई वादक अमीरुद्दीन की, जिन्हें हम प्यार से बिस्मिल्ला खां के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्ला खां बड़े ही फेमस सहनाई वादक थे। अब बिस्मिल्ला खां का असली नाम मतलब अमीरुद्दीन याद रखने के लिए तुम ये याद कर सकते हो कि बिस्मिल्ला खां पैसे से तो नहीं लेकिन सुरताल से बड़े अमीर थे। इस तरह आप अमीर से आसानी से अमीरुद्दीन याद रख सकते हो। तो हमारे बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार की डुगमगाती हुई गलियों के बीच एक छोटे से गांव डुमराव में हुआ। अगेन आप बिहार की डुगमगाती हुई गलियों से डुमराव को याद रख सकते हो। वैसे बिस्मिल्ला खां का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसीरुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष के बड़े थे। इनके परदादा का नाम सलार हुसैन खां था, जो डुमराव के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था और उनकी माँ का नाम था मिठन। देखो, ऐसे मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये सारे नाम तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गए। और जो कि बिस्मिल्ला खां के करियर में उनके बड़े भाई, उनके माता पिता या उनके परदादा का कोई खास रोल नहीं रहा, इसलिए ये नाम उतने इम्पोर्टेंट हैं भी नहीं। बट स्टिल ये सारे नाम याद रखने के लिए हम ट्रिक वीडियो के आखिरी में ज़रूर देखेंगे। तो सिर्फ 5-6 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही बिस्मिल्ला खां गंगा नदी के किनारे बसे छोटी सी नगरी काशी आ गए। यहाँ ननिहाल में उनके 2 मामा थे और इन दोनों के नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे का नाम था अली बख्श। तो यहाँ काशी में उनके दोनों मामा और नाना जाने माने सहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर के सामने देवड़ी में बैठकर सहनाई बजाया करते थे। देवड़ी मतलब होता है मंदिर का चबूतरा। मंदिर के अलावा वे कभी कभी राजा के राज दरबार में भी सहनाई बजाया करते थे। लेखक बताते हैं, ननिहाल में सिर्फ 14 साल की उम्र में ही बिस्मिल्ला खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना चालू कर दिया। वे बालाजी के मंदिर पर उस रास्ते से जाया करते थे जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते थे, जिनसे उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। बिस्मिल्ला खां ने अपने कई इंटरव्यूज में ये स्वीकार किया है कि बचपन में इन्हीं लोगों ने उनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा किया। लेखक बताते हैं, भले ही वैदिक इतिहास मतलब हमारे वेदों में सहनाई का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ मंगल कार्यों में इसका उपयोग यह कन्फर्म करता है कि सहनाई मंगल ध्वनि की प्रतीक है। फिर चाहे वो शादी बारात हो या बच्चों की बर्थडे पार्टी या मुंडन जैसे कार्य, सहनाई के वो खूबसूरत स्वर आपको सभी जगह पे सुनने को जरूर मिल जाएंगे। लेखक यतीन्द्र मिश्र के पूछने पे बिस्मिल्ला खां बताते हैं, आज 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद मैं हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में भगवान से सहनाई के सच्चे सुरों को ही मांगता हूँ। बेशक बिस्मिल्ला खां काशी में बाला मंदिर पे सहनाई बजाते हैं, पर वो हिंदू धर्म के साथ साथ अपने धर्म को भी पूरी इज्जत देते हैं। वे मुहर्रम के 10 दिन अपने पूरे खानदान के साथ ना तो सहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे, और आखिरकार वे मुहर्रम की 8वीं तारीख को अपनी रोती हुई आंखों के साथ सहनाई बजाते हुए दाल मंडी से फातमान तक का 8 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे और अपनी सहनाई के उन स्वरों के साथ सभी की आंखों को भिंगा देते थे। जब लेखक बिस्मिल्ला खां से उनसे बचपन की यादों के बारे में पूछते हैं तो बिस्मिल्ला खां बताते हैं, जब मैं कभी खाली होता हूँ तो उस समय पे मैं अपने पिता के काम या सुलोचना जैसी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को याद करता हूँ। बिस्मिल्ला खां अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद करते हुए कहते हैं कि मैं छुप छुप कर अपने नाना को सहनाई बजाते हुए सुनता था और बाद में उनकी उस सहनाई को खोजने लगता था जिससे इतना ज़्यादा मीठा स्वर निकलता हो। उस मीठी सुर वाली सहनाई को खोजने के लिए
मैं एक एक करके सारी शहनाई को बजाकर देखता था, और जब मुझे वो मीठी सुर वाली शहनाई नहीं मिलती थी तो मैं सारी शहनाइयों को फेंक देता था और मामा की शहनाई को तो पत्थर से तोड़ दिया करता था। बिस्मिल्ला खां बताते हैं, बचपन में मुझे फिल्मों का भी बड़ा शौक था। उस समय थर्ड क्लास की टिकट 6 पैसे की मिलती थी, जिसे पूरा करने के लिए मैं 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेता था। फिर बाद में घंटों टिकटों के लिए लाइन लगकर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस सुलोचना की मूवी की टिकट खरीदता और मूवी के मजे लेता। हाँ, लेकिन बाद में मैं अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए अपने नाना जी और दोनों मामा की तरह ही बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाता था और जो पैसे मिलते थे उससे सुलोचना की फिल्म देखा करता था, और बचे हुए पैसों से मैं रास्ते में कुलसुम की दुकान से देसी घी वाली कचौड़ी खाया करता था, और जब भी काशी में संगीत आयोजन होता था तो मैं उसमें जरूर भाग लेता था। यह आयोजन कई सालों से संकट मोचन मंदिर पे हनुमान जयंती के अवसर पर होता था। बेशक बिस्मिल्ला खां मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। वो बताते हैं, जब भी वो किसी राज दरबार या किसी कॉम्पिटिशन में शहनाई बजाया करते थे तो उनकी शहनाई का मुँह लोगों की तरफ नहीं बल्कि बालाजी के मंदिर की तरफ होता था। बिस्मिल्ला खां कहते हैं, गंगा नदी के किनारे बसी वो काशी कोई स्थान नहीं, ये एक पाठशाला है, एक स्कूल है संस्कृति और सभ्यता का। बिस्मिल्ला खां बताते हैं, जब काफ़ी सालों तक काशी से बाहर रहने के बाद मैं सन 2000 में दोबारा से काशी आया तो सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था। अब देसी घी की कचौड़ी और जलेबी में वो पहले वाला स्वाद नहीं था, और अब तो बालाजी के मंदिर में नए गायक और वादक भी आ चुके हैं जिनके संगीत से कहीं ना कहीं उनकी संगीत के प्रति घटती आस्था और रियाज ना करने का मालूम होता है। बिस्मिल्ला खां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के बीच एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। उन्होंने भारत रत्न, संगीत अकादमी पुरस्कार और इन जैसे न जाने कितने पुरस्कार अपने नाम किए, और 21 अगस्त सन 2006 में 90 साल की उम्र में वो हमारी इस दुनिया से विदा ले चले। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। तो चलो अब उस ट्रिक को भी देख लेते हैं जिससे आप सभी कैरेक्टर्स के नाम याद रख सकते हो, और वो ट्रिक है, सलमान खान अमीर है मिठन मियाँ और साला हम तो पैगंबर, यार शहीद अली बाबा अब तो पैसे दे दो। यहाँ सलमान खान से आप याद रख सकते हो बिस्मिल्ला खां के बड़े भाई शमसीरुद्दीन को, अमीर से आप याद रख सकते हो बिस्मिल्ला खां का दूसरा नाम अमीरुद्दीन, मिठन तो उनकी माँ का नाम था ही, और साला से हम याद रख सकते हैं उनके परदादा का नाम सलार हुसैन, और पैगंबर से हम उनके पिता पैगंबर बख्श को याद रख सकते हैं। उसी तरह शहीद से हम बिस्मिल्ला खां के पहले मामा शाहिद हुसैन को याद रख सकते हैं, और अली बाबा से उनके दूसरे मामा अली बख्श को। अगेन हमारे इस चैप्टर में लेखक के दोनों मामा और उनके पिता पैगंबर बख्श का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें तो आपको याद रखना ही है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।